ईडी ने इन दिनों झारखंड में कई लोगों पर शिकंजा कसा है। उसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार भी नंबर में है। सीएम के प्रेस एडवाइजर अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू से ईडी पूछताछ करने वाली है। पिंटू को ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया है। सूत्रों के अनुसार पंकज मिश्रा से पूछताछ के दौरान पिंटू का नाम सामने आया और इसलिए उन्हें बुलाया गया है। ईडी को भी ये पता है कि पिंटू से जुड़ी जो भी जानकारियां उन्हें चाहिए वह पंकज मिश्रा के पास है। सूत्रों के अनुसार अवैध खनन से जुड़े मामलों की और बेहतर जांच के लिए पंकज मिश्रा और अभिषेक पिंटू को ईडी आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। बता दें कि अभिषेक श्रीवास्तव के संबंध में मिले कागजातों की गंभीरता से जांच करने के बाद आखिरकार ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन जारी किया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक मिश्रा ने पूछताछ के दौरान अभिषेक प्रसाद का नाम लिया है और कुछ अहम बातों का खुलासा किया, जिसके बाद ईडी ने सीएम के प्रेस सलाहकार को तलब किया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद मिश्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।